हेलो एंड हैप्पी संडे टू एवरीबडी. आप सबका संडे अच्छा जाए एंड उसको और बेटर बनाने के लिए मैं आपको ले जा रही हूँ डाउनटाउन टोरंटो, जो है सबका फेवरेट. हम जा रहे हैं यहाँ पे जो बाहर से कुछ ऐसा लगता है, ये है म्यूज़ियम, रोम म्यूज़ियम. वहाँ पे है कुछ स्टफ़ जो आया हुआ है इंडिया से, स्टेट राजस्थान, जोधपुर से. वहाँ पे है एग्जीबिशन, उसका लास्ट डे है टुमारो. सो मैंने सोचा व्हाई नॉट मैं आप सबको वहाँ लेके जाऊँ. कुछ अपना इंडियन हिस्ट्री है उससे आपको फेमिलियर करवाऊँ, जो मैं अभी फर्स्ट टाइम ही देखने जा रही हूँ. और आप मे बी एवरी डे डाउनटाउन जाते हो, एवरी वीक जाते हो, कभी भी मे बी चांस नहीं मिला. कुछ पीपल ऐसे हैं सोचते हैं ये ओल्ड पीपल के लिए है बना हुआ म्यूज़ियम, एंड सम लाइक कभी चांस ही नहीं मिला, प्लान ही नहीं किया वहाँ जाने का. मैंने सोचा व्हाई नॉट मैं आप सबको वहाँ लेके जाऊँ. जो भी इंडियन है उनको अपना इंडियन थोड़ा सा टच दे, अपनी हिस्ट्री को देखे. यहाँ पे हमें स्टफ़ मिलेगा लाइक ओल्ड स्टफ़. सो उससे पहले मैं बताऊँ, हम जा रहे हैं बाई सबवे. आपको मैं सबवे भी दिखाऊँगी एंड मेरा भी कुछ फेवरेट स्पेशल हुआ करता था सबवे में जाना. कुछ लोग है यो यहाँ पे नहीं है, इंडिया में है, लाइक उन्हें भी मैं सबवे दिखाना चाहती हूँ. लुक एट द सबवे. आपको ऐसा नहीं लगेगा, इंडिया के ट्रेन से तो नेड़े भी नज़दीक भी नहीं है कहीं पे भी. इट्स ब्यूटिफुल एंड ईजी टू गो. इट्स नाइस एंड क्लीन. सो यहाँ पे हम सबवे स्टेशन पे. सो आप हम वहाँ पे ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं. थोड़ा सा मैं आपको स्टेशन दिखाई दूँ यहाँ पे. यहाँ पे ट्रेन अंडरग्राउंड जाती है इसलिए उसे सबवे कहते हैं. और हम बाहर निकल गए हैं. यहाँ पे है डाउन टाउन, वहाँ हम पहुँच गए हैं. सो म्यूज़ियम पहुंचने तक मैं आपको थोड़ा सा डाउनटाउन भी दिखा दूँ. मेरा फेवरेट है, एटलीस्ट मोस्ट ऑफ पीपल का फेवरेट ही होता है. इट्स अ नाइस प्लेस, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस. यहाँ पे आपको बहुत बिग एंड हाई बिल्डिंग्स मिलेंगी देखने को. नैरो होता है, क्राउडेड होता है, बट इट्स ब्यूटीफुल एंड रोड नैरो होते हैं वहाँ पे. और यहाँ पे आपको ओल्ड बिल्डिंग्स मिलेंगी, ओल्ड चर्च, जो भी पुराना स्टफ़ है ना वही आपको डाउनटाउन में ही मिलेगा देखने को. और यहाँ पे स्टेशन से आपको 5 मिनट ही लगेंगे म्यूज़ियम तक जाने के, मे बी 10 मिनट्स. मैं यहाँ पे खैर वॉक करने का ट्राई कर रही हूँ. लुक एट दिस ओल्ड बिल्डिंग, इट्स अ ब्यूटीफुल ओल्ड बिल्डिंग. सो हम यहाँ म्यूज़ियम पहुँच गए हैं. देखते हैं हमें परमिशन मिलती है कैमरा अंदर ले जाने की और नहीं. बाहर से म्यूज़ियम कुछ ऐसा दिखता है. वहाँ पे है एग्जीबिशन और ऑलमोस्ट आज लास्ट डे ही है. अब आप आई थिंक वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी, इसीलिए मैंने 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया है. नाउ यू गाइस हैव अ कप ऑफ टी एंड सिट ऑन योर सोफा एंड रिलैक्स एंड एंजॉय दिस एग्जीबिशन. सो कहीं मत जाइएगा, वीडियो को कंप्लीट देखना ज़रूर एंड यू गाइस गोना हैव लॉट्स ऑफ फन. सो गाइस हम म्यूज़ियम में पहुँच गए हैं. मैं आपको दिखाने वाली हूँ, पर मैं प्रीटी श्योर नहीं हूँ कि यहाँ पे कैमराज यूज़ करना अलाउड होगा और नहीं. आई एम नॉट रियली श्योर. सो लेट्स गो एंड देखते हैं यहाँ पे क्या है, क्या हमें पसंद आता है, कैसे हम आज अपना संडे इंजॉय करते हैं. यू गाइस गो विद मी. इफ़ कैमरा अलाउड ना हुआ तो मुझे नहीं पता क्या करना है, तब मैं जो स्टाफ को थोड़ा सा डाउन टाउन दिखा दूँगी. सो लेट्स स्टार्ट इट, स्टे विद मी. है एक शॉप एंड आपको एंटर करते ही डायनासोर का स्केरी स्केलेटन दिखेगा. एंड दे सेड दैट्स अ रियल स्केलेटन यू यहाँ पे रखा हुआ है. इट्स लुक रियली बिग एंड स्केरी. लुक एट दैट.
यहाँ दिस साइड है जोधपुर एग्जीबिशन, यहाँ पे हम एंटर हो गए हैं। फर्स्ट थिंग एंट्रेंस पे यही लगाया हुआ था वहाँ पे उन्होंने। यहाँ है हमारा इंडिया का मैप। फर्स्ट देखते हैं, हम जा रहे हैं सीधे सीधे राजस्थान जोधपुर में। यहाँ स्टफ देखेंगे जोधपुर का, जो जब किंग और क्वीन का टाइम हुआ करता था, राजे रानी का टाइम था, उनके टाइम का स्टफ यहाँ पे है जो हम देखने वाले हैं। सो ये है पालकी, जो पालकी बोलते थे दे साइड, ये रियल पालकी है उनके टाइम की, यहाँ पे रखी हुई है। एंड इन पे गोल्ड का वर्क किया हुआ है, जो भी यहाँ पे स्टफ है ना, पालकी तो लगी रही है कि गोल्ड की बनी हुई है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे लगी हैं कुछ पिक्चर्स। ये थी यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर, एंड यहाँ पे है जो उनके टाइम के राजा किंग हुआ करते थे, एक के बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, उनके अकॉर्डिंग नेम लिखे हुए हैं इस पिक्चर पे, और सबकी फ़ोटो लगाई हुई है इस फ्रेम में। मुझे तो सारे सिमिलर ही लगते हैं सबके फेस, एंड पिक्चर का पोज भी सिमिलर ही लग रहा है, लाइक ब्लड रिलेशंस। और सो हे गाइस, हमें परमिशन मिल गई है, मैं म्यूज़ियम के इनसाइड हूँ, जहाँ पे भी हमारा महाराष्ट्र का एग्जीबिशन है। हमें कैमरा ले जाने की परमिशन मिल गई है, मैं ज़्यादा लाउड यहाँ पे नहीं बोल सकती हूँ। देयर इज़ अ ब्यूटीफुल रॉयल स्टफ जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। सो हम देखने वाले हैं और महाराजा इज़ काइंड ऑफ रॉयल स्टफ। सो कहीं मत भागिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। अभी ऐसे ही मत भाग जाना वीडियो छोड़ के, बिकॉज़ वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी। मैं सारा कुछ आपको दिखाऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी, सो यू गाइस गोना लव दिस वीडियो। सो मेक श्योर आप कंप्लीटली वीडियो देखने वाले हो। ओके गाइस, लेट्स जस्ट स्टार्ट। यहाँ पे है झूला, जो कृष्ण जी का झूला हुआ करता था। ये है कृष्ण जी का झूला, यहाँ पे पड़ा है, यहाँ पे रखा हुआ है इन्होंने। ये भी, इस पर भी गोल्ड का वर्क हुआ है, गोल्ड का वर्क है इस पर किया हुआ। लुक ब्यूटीफुल। यहाँ पे कृपान पड़ी हुई है, आपको दिख रही है कितनी ओल्ड लग रही है वहाँ पे। वन बाय वन जो भी नेक्स्ट आएगा, सभी आपको दिखाते जाऊँगी। यहाँ पे है पिक्चर्स, आप पेंटिंग्स जो लगी हुई है इन पे, इतना डीप, इतना स्मॉल वर्क किया हुआ है कि आप एवरीथिंग देख सकते हो ईजिली। ये है उनके टाइम का कर्टन, जो पर्दे हुआ करते थे। ये पिक्चर आपको डीपली मैं दिखाती हूँ। कुड यू गाइस सी कि एवरीबडी लाइक स्पेंडिंग 20 मिनट्स ऑन अ वन पेंटिंग, कुछ इतना डीप, इतना स्मॉल स्टफ वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ था। एक पिक्चर आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर रही थी विदाउट सेइंग एनीथिंग कि वहाँ पे उस टाइम क्या हो रहा था। कितने अच्छा वर्क किया है, कितना अच्छा काम किया है इन पेंटिंग्स पे, और दे लुक ब्यूटीफुल। सो अब देखते हैं कुछ ज्वेलरी वहाँ पे। ये लग रहे हैं कंगन, जो कंगन पहनते हुए थे ना। वाव, लुक ब्यूटीफुल, लुक शाइन, देखो कैसे कर रहे हैं, कैसे चमक रहे हैं। यहाँ पे देखो कितनी ब्यूटीफुल किसी ने पेंटिंग की है ना, लुक्स ब्यूटीफुल। तो अब एंट्रेंस पे पड़ा है, ये रखा हुआ है, व्हाट दे वुड लाइक टू से दैट, जब यहाँ पे मीटिंग हुआ करती है ना, एंटरटेनमेंट टाइम का कुछ लग रहा है। ये है विंडो, खिड़की, जाली लिखा हुआ है यहाँ पे, जाली जो खिड़की विंडो पे लगाते थे ना फ्रंट पे, वो है उनके टाइम की, लगी रखा है, बहुत ओल्ड लग रही है। सो आप अगर इंग्लिश में रीड करना चाहते हो, यहाँ पे पिक्चर को, वीडियो को पॉज करके आप उसके बारे में इंग्लिश में रीड कर सकते हो, इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड माई हिंदी, और माई इंग्लिश इज नॉट रियली दैट गुड। और यहाँ पे ये पेंटिंग तो कुछ ऐसा एक्सप्लेन कर रही है कि राजा ने, किंग ने इन्हें हुक्म दे दिया है, ऐलान कर दिया है, गो एंड अटैक ऑन देम, इट्स जस्ट समथिंग सेइंग समथिंग लाइक दैट।
सो यहाँ है लुक एट दिस ओल्ड पक्षी पंखी और फैन हैंड फैन एंड उसके साथ है यहाँ पे एक गेम जो किंग और क्वीन राजा रानी खेलते थे उस टाइम बट मुझे इस गेम का नाम नहीं पता इफ़ यू नो द नेम ऑफ दिस गेम प्लीज़ लेट मी नो लीव द कॉमेंट इफ़ आपको ना इस गेम का नाम पता है मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है गेम का नाम क्या था तो यहाँ पे लिखा हुआ था कि किंग और क्वीन ये गेम खेलते थे वन एवर दे हैव अ टाइम हम देखते हैं ज्वेलरी अमेजिंग ज्वेलरी आई एम सो एक्साइटेड फॉर दैट लुक एट दैट आई थिंक ये बैच ना बैच था दिस इज़ ज्वेलरी बॉक्स देखो कितना शाइन कर रहा है कुछ ज़्यादा ही गोल्ड लगा दिया इसके ऊपर तो आई एम जेलसिंग यहाँ जो अपना शस्त्र है वेपन है उसका कवर लग रहा है ये है कंगन ब्रेसलेट जो मैं सुन लेने वाली हूँ जस्ट किडिंग यहाँ है नेकलेस ये लग रहा है कि किंग के लिए राजा का नेकलेस था क्वीन तो इससे हैवी पहनती होगी या यहाँ पे लग रहा है क्वीन का ब्यूटीफुल हैवी नेकलेस लुक्स ब्यूटीफुल ये कितने शाइन कर रहे हैं आई विश आई कुड हैव इट आई एम जस्ट किडिंग सो हम यहाँ पे देखते हैं ये मटके पड़े हुए हैं दो एंड ये डिब्बी में क्या है जो वो राजा उनके टाइम परफ्यूम यूज़ कर किया करते थे यहाँ पे परफ्यूम है ये गोल्ड वाला है ज्वेलरी बॉक्स उसके साथ पड़ी हुई है की एंड ये है मटके से कुछ पड़े हुए यहाँ पे है जो स्मोक के लिए यूज़ करते थे ना स्मोकिंग स्टफ इसका भी मुझे नाम नहीं पता आप मुझे ज़रूर बताना अगर आपको पता है तो प्लीज़ लीव अ कॉमेंट एंड I'm sorry, I should do the study before I do this video. But you guys can help me. This is just blogging. And आप कुछ भी read करना चाहते हो video को pause करो और वो English का stuff आप read कर सकते हो And यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है Look at that, आपको मैं explain कर ही रही थी कि game खेलते थे यहीं पे There is a king and queen, दोनों वही game खेल रहे हैं और आप मुझे नाम जरूर बताना यहाँ पे हैं पूर्णमासी पूरा मून होता है जब ये सेलिब्रेट कर रहे हैं पूर्णमासी यहाँ पे किंग क्वीन और उनकी प्रजा एवरीबडी इज देयर सेलिब्रेटिंग द पूर्णिमा वाओ मुझे तो नाम भी याद है आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ ओके सो लेट्स सी वी आर वाज राइट लुक एट दैट अभी या यहाँ पे भी सेलिब्रेशन हो रही है पूर्णिमा की कुछ स्पेशल हुआ करता था पूर्णिमा के तब के टाइम मुझे इतना डिटेल में नहीं पता बट आई जस्ट ट्राई टू टेल यू व्हाट एवर दीज पिक्चर दीज पेंटिंग्स आर सेइंग और यहाँ हो रही है होली सेलिब्रेशन और लाइक अब जस्ट छोटे बच्चे होली खेलते हैं तब के टाइम हर कोई सेलिब्रेट करता था होली इवन किंग एंड क्वीन राजा रानी होली खेल रहे हैं उनकी प्रजा होली खेल रही हैं वाओ बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ करता होगा ना तब के टाइम तो जस्ट बच्चे ही खेलते हैं So they are celebration Diwali here. So Diwali को तो आपको पता ही है कितनी ज़्यादा celebration होती है Diwali के time. So this was Delhi worship place. पूजा स्थान यहाँ पर वर्शिप करते थे एवरी डे वो यहाँ पे है किंग का सिंहासन यहाँ पे राजा बैठा करते थे ये प्लेस थी उनके लिए स्पेशल वन लुक्स ब्यूटिफुल अभी भी लग रहा है कि सब कुछ जैसे भी ओल्ड टाइम में
बनाया था, स्टिल ऐसा ही लग रहा है। और यहाँ है उनके क्लोथ्स, वी कैन सी द देयर वस्त्रस क्लोथ्स, जैसे भी वो पहनते थे। ये थे स्पेशली फॉर द मैन, ऐसे कुछ काइंड ऑफ ड्रेसेस पहनते थे वो। और पजामा चोली समथिंग ऐसे लिखा हुआ था वहाँ पे, आई एम नॉट रियली श्योर। I hope you liked this video. Don't forget to press the like button and share with this video with your friends, family and relatives. Don't forget to subscribe this channel too. और आपको new cooking video and कुछ fun करना है मेरे साथ, तो channel को subscribe करना पड़ेगा। ये video अभी complete नहीं हुई है, बहुत interesting stuff अभी भी बाकी है देखने के लिए, उसके लिए आपको थोड़ा सा wait करना पड़ेगा। इसका second part मैं नेक्स्ट संडे डालूंगी, बिकॉज वीडियो वॉज टू लॉन्ग। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ नेक्स्ट संडे। बाय बाय।